नमस्कार, मैं हूं जी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मंत्री भूपेंद्र सिंह के बयान पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी का पलटवार। सुरेंद्र चौधरी ने पूछा कि भूपेंद्र सिंह बताएं कि वह ज्योतिरादित्य सिंधिया के किस गिरोह के सरगना है। मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा कांग्रेस पार्टी पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने मंत्री भूपेंद्र सिंह के बयान पर गैर जिम्मेदारा बताते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह जी, पहले आप बताएं कि आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के किस गिरोह के सरगना हैं, जिसके दम पर बनी मध्य प्रदेश सरकार में आप मंत्री होकर अमर्यादित बयानबाजी कर रहे हैं। सुरेंद्र चौधरी ने मंत्री भूपेंद्र सिंह की योग्यता पर भी सवालिया निशान लगाते हुए कहा है कि सरकार का मंत्री समूचे प्रदेश की जनता का होता है, किंतु इतने बड़े विपक्षी दल के कांग्रेस पार्टी के बारे में अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी तत्काल माफी मांगे। सुरेंद्र चौधरी ने भाजपा और शिवराज सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी इस तरीके की बयानबाजी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट, बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार जी, बताएं जो नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर बयान दिया है, उसके संबंध में आपका क्या कहना है? मैं भूपेंद्र सिंह जी की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाना चाहूंगा। इतने वरिष्ठतम मंत्री को इस तरीके से अमर्यादित शब्द बोलकर उनने अपनी योग्यता को दर्शा दिया है। सबसे पहले मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि वह कांग्रेस पार्टी से भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथियों के कौन सा गिरोह मानते हैं, किस गिरोह का सरगना मानते हैं, पहले तो वो ये बताएं। आज कांग्रेस के लोगों की दम पे सरकार में बैठे भूपेंद्र सिंह जी और मंत्रिपरिषद के सदस्य इतना अहंकार में है, वो यह भूल गए हैं कि मंत्री पूरे राज्य का मंत्री होता है और राज्य के अंदर इतने बड़े विपक्षी दल के बारे में ऐसे शब्दों का उपयोग करते उनने अपने मंत्री पद की योग्यता समाप्त कर दी है। हम प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि ऐसे मंत्रिमंडल के साथियों के संबंध में वह तत्काल माफी मांगें या उन्हें पद से बाहर का रास्ता दिखाएं।